अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। जनाब, व्लॉग शुरू होने से पहले ये देख लीजिए और उसके बाद हम व्लॉग का आगाज करते हैं। बिग रिक्वेस्ट टू यू गाइज, प्लीज फॉलो मूना व्लॉग्स ऑन यूट्यूब। और बहुत जल्द हो सकता है कि आप लोग मुझे मूना व्लॉग्स पे देखें ऑन यूट्यूब। सो सब्सक्राइब करें एंड बेल द आइकन। हाँ जी, तो इस वक्त मैं जा रही थी फ्रैंकफर्ट और मुझे सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जाना था, कुछ शॉपिंग करनी थी। और क्योंकि आज जो है शाम में मुझे जाना था रुमैसा की बर्थडे पे, और इसके लिए ज़रा मुझे ज़्यादा टाइम से निकलना पड़ा था। और मुझे ये था कि 2-3 घंटे में मैं जल्द से जल्द फारिग होके आ जाऊँगी, मगर यह है कि वहाँ पर जाहिर सी बात है जब आप जाते हैं शॉपिंग करने तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो बहरहाल हम बस यहाँ से निकले हैं मार्केट से और हम फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो डायरेक्टली वहाँ पर पहुँचे हैं। अरे वाओ, हमारी पापा को खिलाओ। ओ वाओ, अब मम्मा को खिलाओ। चलो, बहुत बर्क हो भाई रुमेशा। चलो भाई रुमेशा, पप्पी करते थे थैंक यू रुमेशा। था देखा हाथ नीचे कर लो। आज वीकेंड है और आज मैं अपना दिन कैसे गुजार रही हूँ ये आप देखेंगे। अभी नाश्ता वगैरह फिनिश हो चुका है और इस वक्त मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, और मुनीब से मैंने कहा है कि वो अपने कपड़े वगैरह निकालें, लॉन्ड्री करेंगे। ये आ गया मुनीब, छुपने की जरूरत नहीं है मुनीब। हाँ जी, तो इस वक्त जो है ये अपना काम करने जा रहे हैं और मैं जो है इस वक्त शॉपिंग करने जा रही हूँ। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं, आप भी मेरे साथ चलें और देखिए कि आज मैं कहाँ कहाँ की शॉपिंग करने जा रही हूँ। चलें। मैं यहाँ पर तुर्की मार्केट आई हूँ, मुनीब जो है ट्रॉली निकालने गए हैं और अब हमें जो है शॉपिंग कर। अच्छा जी, यहाँ पर देखें आप, अनानास जो है 2.5 यूरो के आए हुए, सेब जो है यहाँ पर 59 किलो के थे, और ये यहाँ पर ये देखिए। तो अब हम अंदर चलते हैं और अनकॉफिन करते हैं। यहाँ पर ये बड़ा एक अच्छा है कि यहाँ पर जो है ना हर वीकेंड पे कुछ चीज़ें जो हैं वो सेल पे लगा दी, जैसे फल वगैरह लगा दिए। अभी और चीज़ें पे भी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है उस पर सेल कर लगा देते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपको लगेगा ये अंजीर जो है 1.5 यूरो की मिल रही है और ये बड़ी ही सस्ती है, ये देखें ज़रा। तो यहाँ पर हर वीक पे ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस तरह की सेल पे चीज़ें आ जाती हैं। अब ये जो है ये 16 यूरो के हैं। हाँ जी, वापस आने के बाद मैंने यहाँ पर मैं दाल भिगो के गई थी और आज मैं बना रही हूँ दाल के कबाब। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था और अब मैं इसको उबालूंगी। मैंने पानी जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया और साथ में 3-4 आलू भी रख दिए। आइए देखते हैं कैसे उबला। हाँ जी, ये देखिए, इधर ये आलू जो है ये बॉयल हो रहे हैं और इधर जो है मैंने दाल के लिए ये पानी बॉयल होने के लिए रखा है। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें और
जो मिंट होता है ना उसको बहुत बारीक बारीक इसके ज़रिए काट लिया है, ये देखें तो ये बिल्कुल बारीक कट जाता है। और ये इस तरह जो है अभी इसमें प्याज भी मैं ऐड करूँगी और हरा धनिया भी। तो आइए देखते हैं कि दाल के कबाब जो है वो कैसे बने। हाँ जी, तो यहाँ पर मुनीब जो है इस वक्त, मुनीब कहाँ जा रहे हो इस वक्त आप? बाइक पे। कहाँ पर अभी जा रहे हो क्या बाइक पे? किसके साथ? छोटे मामा आएंगे। छोटे मामा, मौसम देख लो, मौसम कैसा हो रहा है? अच्छा। क्या है टेम्परेचर देखे ना? ओह माय गॉड, यहाँ पर देखें जनाब अभी अक्टूबर चल रहा है, बल्कि अब अक्टूबर का आज एंड है और यहाँ पर अभी भी 20 नवंबर स्टार्ट हो गया। मतलब मंडे से, आज संडे है तो मंडे से जो है वो मंडे से पहली हो जाएगी। तो फिर जनाब, हाँ तो जाओ जाके बेटा तैयार हो फिर आप। हाँ सही सही, यहाँ पर जो है आलू भी बॉयल हो चुके हैं जैसा कि आपको लग रहा है और दाल भी मेरी तक कम से कम बॉयल हो चुकी है। हाँ जी, तो यहाँ पर मेरी ये दाल जो है ना ये भी बॉयल हो चुकी है जनाब। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये दाल अच्छी तरह गल गई है, देखिए इस तरह की कुछ हुई है। ठीक है, अब ज़रा ये ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसको जो है ना वो बारीक सा जो कूट लूँगी या ग्राइंड कर लूँगी। देखिएगा, पर मैंने ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और प्याज, वो भी रेड वाली प्याज जो है ना वो मैंने इसमें शामिल कर दी है और बारीक पीस ली, क्योंकि अब ये दाल में जो है वो ऐड होगी। हाँ जी, तो यहाँ पर इस वक्त मरीज जो हैं वो इसको पीस रहे हैं और यहाँ देखेंगे कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो ये मैंने आलू भी रख दिए हैं इसके साथ और ये सब चीज़ें भी मिक्स कर दी हूँ। ये दाल जो है ये भी हो रही है, हो चुकी है तकरीबन, और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग जा रहे हैं मारबुक के ज़े जा रहे हो? हाँ हाँ, आज वैसे मौसम अच्छा, बहुत ही अच्छा है, सनी है। हाँ, मौसम अच्छा है तो हम लोग मारबुक के ज़े पे जा रहे हैं। मारबुक के ज़े पे, ओके। देखते हैं कि अगर बोटिंग वगैरह हो सकती है तो सही है। ये चाहिए ना? हाँ। तो किसी जगह पे स्लो करके तुम अपने हैंडी से वीडियो बना लेना। हाँ जी, तो यहाँ पर मेरे ये दाल के मज़ेदार से कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, ये देखिए जनाब। अब मैं इनको फ्रीज करूँगी। हाँ जी, तो यहाँ पर इस वक्त हमारा वीकेंड गुजर चुका है, ये संडे की रात है और इस वक्त हम लोग खाना वाना खा के सब टीवी देख रहे थे और मैं भी इस वक्त अपने चाय का कप थामे हुए गर्मा गर्म चाय पी रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज के ये व्लॉग आपको पसंद आई होगी, वीकेंड की व्लॉग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर हो जाऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।